खबर 24 लाइव न्यूज। नमस्कार, मैं अभिषेक पटेल, खबर 24 लाइव चैनल सारे से दिखाते हैं मड़ियाव विधानसभा की कुछ खास रिपोर्ट। बताते मड़ियाव विधानसभा से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह ने नौनारी मंडी में जाकर किसानों से किया जनसंपर्क, अपने चुनाव चिन्ह नाव का बटन दबाने की अपील। आई से दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अशोक सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज आप अपना प्रचार प्रसार नौनारी सब्जी मंडी में आकर कर रहे थे, क्या आपको लगा कि नौनारी मंडी में क्या ज़रूरत है और क्षेत्र में क्या ज़रूरत है विकास की? मैं कई सालों से नौनारी में आ रहा हूँ, हर प्रोग्राम में सनी भाई का जो प्रोग्राम रहता है यहाँ पे जी, तो चाहे दही हंडी का प्रोग्राम हो चाहे किसी खेल का प्रोग्राम हो जी, मैं उस प्रोग्राम में हमेशा भाग लिया हूँ। कई सालों से मैं इनके साथ 15-20 साल से मैं सनी को जानता हूँ जी। तो आज इस सब्जी मंडी में मैंने देखा कि जो इंटरलॉकिंग की व्यवस्था नहीं है जी, तो वो होनी चाहिए। अगर यहाँ की जनता मुझे चुन के मुझे विधान भवन भेजती है तो सबसे पहले मेरा काम यहाँ का रहेगा इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करना। इस सब्जी मंडी इंटरलॉकिंग बाउंड्री बाउंड्री की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है जी। तो ये सारी चीज़ों पर मेरा ध्यान है। मुझे पता है कि यहाँ की जनता मुझे प्यार करती है, हर बच्चा बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान, सभी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि मेरा कई सालों से मेरा संघर्ष रहा है सनी भाई के साथ में जी। तो और मैं इस नौनारी के पूरे एरिया को अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छी तरह से घूमा हूँ। इनके दुख सुख में हम हमेशा इनके कंधे से कंधा मिला के हमने चला है। तो मुझे पता है कि नौनारी की जनता मुझे स्वीकार कर रही है और मैं यहाँ पे यहाँ से बहुत अच्छे मतों से विजयी हो रहा हूँ। मड़ियाव विधानसभा के लिए और जो उस क्षेत्र के लोग हैं और किसान हैं, उनके लिए आपका पहला कदम क्या होगा? मैं किसान का बेटा हूँ जी, तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसानी के ऊपर ध्यान दे दूँ जी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर किसान ना हो तो देश में लोग भूखे मर जाए। किसान और जवान के बलबूते पे तो ये देश चल रहा है। तो युवाओं के रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, मड़ियाहूँ विधानसभा में जौनपुर ही पिछड़ा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब बनारस इलाहाबाद की अपेक्षा तो बहुत पीछे उत्तर प्रदेश में। तो मैं चाहता हूँ कि जौनपुर जैसे बनारस है, जैसे बनारस का विकास है, वैसे जौनपुर का विकास होना चाहिए जी। मैं इसलिए मैं बीआरपी पार्टी को ज्वाइन किया कि मुझे पता है कि जो साहनी साहब हैं, ओके साहनी जी, उनका बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में गठबंधन है, सरकार है इनकी नीतीश के साथ में जी सर। तो इन्होंने अपनी रिजर्वेशन के लिए मांग की उत्तर प्रदेश के में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनका या केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने इनको नकारा, इन्होंने यहाँ पे गठबंधन नहीं किया। अभी आपको देखें कि बाहर जो धरने में बैठ गए, क्या प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा आपका? बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने मीडिया वालों से रूबरू होने भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ। अभी भी उनका कमिटमेंट है कि मैं उनके ऊपर FIR करूँगा, लेकिन वजह क्या रही होगी? वजह यह थी कि मेरी दो गाड़ियाँ परमिशन के साथ जा रही थी, उनका कहना था कि आपकी गाड़ी में जो बड़े झंडे हैं, ये बैनर लगे हैं, वो नहीं लगने चाहिए, परमिशन के साथ लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल, मेरे गाड़ी का परमिशन है, मेरे ऑफिस का, मेरे कार्यालय का भी परमिशन है जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से आप बैनर पोस्टर नहीं लगा सकते। हमने कहा कि आचार संहिता का नियम तो मैं भी जानता हूँ, 5वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से सारी चीज़ें मुझे पता है। क्या लगता है इसमें आपको? तो नहीं, उन्होंने कहा कि भाई ऊपर से आदेश है। कहाँ से ऊपर से? अभी ये तो वही बता सकते, ऊपर से आदेश है कि आपको प्रचार न करने दिया जाए। तो मैंने कहा मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, मुझे रोक नहीं सकते, इसलिए मैं सड़क पे बैठा इनके। कितने दिनों तक, कितने देर तक आप धरना दिए और क्या निष्कर्ष निकला उस धरने का? 3 घंटे तक धरना दिया, CEO आके मुझे मना, ये तो वहाँ पे दिखाई नहीं दिए जब मैं धरने पे बैठा, तो मैं जनता के लिए बैठा धरने पे। लेकिन जब ये नहीं आया, मैंने इनकी मांग की, वो आए और माफ़ी मांगी कि उन्होंने अभद्र व्यवहार मुझसे हस्ताक्षर किया था, मेरे माँ बहन के की गाली दी थी उन्होंने, और रिवाल्वर पे हाथ लगा के मुझे बताया था कि हम आपकी ठकुरई ऐसा वैसा कर देंगे, वो मैं सबको कह नहीं सकता। तो मैंने फिर धरने पे बैठा, फिर CEO 3 घंटे बाद CEO ने आके मुझे आश्वासन दिया कि आप मेरे कहने पे उनके और मैं इनके ऊपर FIR करूँगा, कार्रवाई करूँगा, सस्पेंड करने की मांग आप करिए। तो मैं उनके कहने पे उठ गया, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुआ है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आज भी FIR नहीं हुआ तो वापस मैं धरने पे CEO के पास बैठूंगा जी। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।